दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, नींबू के टोटके आज से नहीं बल्कि हजारों वर्षों से पहले से ही प्रयोग होते आ रहे हैं। जो टोटके आज हम आपको बताने जा रहे हैं, नींबू का प्रयोग करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। यदि आप ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र की पुस्तकों को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो नींबू के ऊपर आपको पूरे 11 अध्याय मिलेंगे, जिसका मतलब ये है कि नींबू का प्रयोग आप सफलता पाने के लिए कैसे कर सकते हैं, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कैसे नींबू को यूज कर सकते हैं, यदि आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू का कैसे टोटका आप करेंगे और उल्टा शत्रु का आप नाश करेंगे, आपके घर में निगेटिव शक्तियों का वास है, बुरी शक्तियों का वास है, तो कैसे नींबू से इसको भगा सकते हैं, इन सब के बारे में आपको वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में मिल जाएगा। यदि आपका भाग्य सो चुका है, आपके घर में ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती नहीं है, तो दोस्तों आज के जो टोटके हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की भाषा में यदि कहें तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। एसिडिटी की अगर आपको समस्या है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण की तरह कार्य करता है। दोस्तों, नींबू में इतनी ताकत होती है जो एक से एक बड़ी समस्या को जड़ से खत्म कर सकता है, वो भी चुटकियों में। आपकी समस्याओं को हमेशा के लिए मिटा सकता है। इसलिए यदि आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। आपको हम एक एक उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, इसीलिए बहुत गंभीरता से ध्यान से देखिए और आंख बंद करके ईश्वर को याद कीजिए। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को भगा भगा करके देखते हैं, तो यकीन मानिए अगर आप भगाते हैं तो आप अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो होता है हमेशा ही नुकसानदायक होता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने अगर आपको आशीर्वाद दिया तो आपका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, आपका भला ही होगा। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए सबसे पहले आखिर नींबू के सबसे पहले उपायों को जानते हैं। जी हाँ, 10 उपाय के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। ध्यान दीजिएगा, पहला उपाय बुरी नजर से बचने के लिए। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा ट्रक जब चलता है, गाड़ियां जब चलती हैं, या छोटी दुकानें होती हैं या फिर बड़ी दुकानें होती हैं, उस पे नींबू और मिर्च टंगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है आपको लू चलती है जब देखे होंगे तो उस समय प्याज रखना चाहिए अपनी जेब में, तो प्याज जो है सोख लेता है। ठीक वैसे ही नींबू, आपका दुकान अच्छा चलता है, उस पर कोई नजर लगा देता है, आपके बिजनेस पे नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है, उसी तरह से चलता हुआ व्यापार भी बंद हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी है तो ऐसे में क्या करना चाहिए, उस पर नींबू लगाया जाता है। इसका मुख्य कारण हिंदू पुराणों में बताया गया है, ये बताया गया है नींबू का खट्टापन और मिर्च का तीखापन जो है बुरी नजर वाले की एकाग्रता को भंग करता है, जिससे वो अधिक समय तक खुद को प्रभावशाली नहीं पाता है। ये हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है यदि आपका व्यापार चल रहा है और आपका किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं और कोई आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा आपके पीछे लगवा रहा है, और यदि आपने पहले से नींबू टांग रखा है तो सारा प्रभाव उसके ऊपर पड़ जाएगा और उसकी परेशानी बढ़ जाएगी आपका बुरा सोचेगा तो, इसीलिए नींबू और मिर्चों को टांग करके जरूर रखिएगा। दूसरा प्रयोग, इसका जो प्रयोग है वो वास्तु दोष को दूर करता है। वास्तु का आप अध्ययन करेंगे तो उसमें एक चैप्टर आता है, वो पूर्णतः नींबू के ऊपर है। जी हाँ, पूरा एक अध्याय जो है वो नींबू पर दिया हुआ है। वास्तु शास्त्र की पुस्तक लेकर के आएंगे तो अध्याय नंबर 21 पर जाइए, उसमें नींबू के बारे में पूर्णतः वर्णन किया गया है। जिस घर में नींबू का पेड़ होता है वहां पर नेगेटिव ऊर्जा कभी भी नहीं आती है और ना ही पनप पाती है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू जो है घर के वातावरण को
पॉजिटिव शक्ति से भर देता है। दोस्तों, किसी के घर पर अगर निगेटिव शक्तियों का वास हो चुका है तो आप नींबू लगा दीजिए, उसके घर पे लड़ाई होती रही है वो बंद हो जाएगा, धन आने के मार्ग बंद हो गए हों, खर्चे बढ़ गए हों और वो बीमारियों में फंसता जा रहा है, लेकिन घर में नींबू का पेड़ लगाया तो पॉजिटिव शक्तियाँ आनी शुरू हो जाएंगी और आपकी सारी समस्याएँ खत्म हो जाएंगी, आपके घर के लोगों में बनाव हो जाएगा, आपके सरल भाषा में बात करेंगे तो आप देख रहे होंगे कई ऐसे घर होंगे जिसमें घर में आपस में लड़ाई होती रहती है, घर में बरकत नहीं होती है और जिस घर में बरकत नहीं होती है उस घर के लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं और घर में सुख नहीं आता है। इसके लिए वास्तु दोष को मिटाना बहुत जरूरी है और इसके लिए नींबू का पेड़ बहुत ही शुभ माना जाता है। चाहे आप गमले में ही लगाइए नींबू का पेड़, छोटा ही लगाइए, लेकिन आपके घर में कभी भी वो निगेटिव शक्तियों का वास नहीं होने देगा। और मान लीजिए यदि आपको आपके घर में ऐसा लगता है कि किसी ने काला जादू करा दिया है आपके घर पर या तंत्र विद्या करवा दिया है और आप बहुत परेशान हैं, घर की लड़ाई झगड़े को देख करके आप तंग हो चुके हैं, तो ये उपाय सुनिए ध्यान से। पहले तो हो सके तो नींबू का पेड़ जरूर लगा लीजिए, गमले में ही चाहे लगाइएगा जरूर, लेकिन नींबू रातों रात नहीं लगता है, धीरे धीरे नींबू का पेड़ बढ़ना शुरू होगा। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा नींबू वैसे वैसे पॉजिटिव ऊर्जा आपके घर आने लगेगी और निगेटिव ऊर्जा दूर होगी और माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा, निगेटिव शक्ति का नाश होगा। दोस्तों, दूसरा उपाय ये है कि हिंदू पुराणों के अनुसार आपको घर के चारों कोनों पर क्या करना है, एक एक नींबू रखना है, सीधे बाई दिशा से आपको शनिवार के दिन 7 चक्कर मारना है और उन नींबुओं को उठा करके किसी नदी या तालाब में बहा देना है। यदि आप बहा देते हैं तो आपके घर में जो भी बुरी नजर थी, तंत्र विद्या किसी ने करा रखी थी, बुरी आत्मा थी, निगेटिव शक्तियों का वास था, वो सब खत्म हो जाएगा, उन्हीं नींबू के साथ वो आपके घर से बाहर चला जाएगा। वो नींबू अपने आप में इतना शक्तिशाली है कि पॉजिटिव शक्तियों को आपके घर छोड़ करके और निगेटिव शक्तियों को लेकर के चला जाता है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि बहते जल में बहाइएगा, इसको ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रयोग जान लीजिए सफलता के लिए। नींबू का अगला प्रयोग जो है, अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, कर्ज के माया जाल में फंस गए हैं, तो आपको ध्यान दीजिएगा, एक बारीक सी बात बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, गौर से सुनिएगा, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिए। यदि आप जानते हैं कि आप बहुत मेहनत करते हैं, आपको मेहनत का फल नहीं मिलता है जितना मेहनत करते हैं और आप थक चुके हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं लेकिन जॉब नहीं मिल रही है, आप इंटरव्यू देने जाते हैं लेकिन इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है जबकि आप टैलेंटेड हैं, तो वास्तु शास्त्र में साफ लिखा हुआ है आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है और ध्यान दीजिए मंगलवार के दिन ही जाइएगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हनुमान जी के मंदिर में एक नींबू रखिएगा, इसके बाद प्रवेश कीजिएगा हनुमान जी के मंदिर में, उसमें 4 लौंग को गाड़ दीजिएगा, नींबू में 4 लौंग को आपको गाड़ देना है, वहां पालथी मार करके बैठ जाइएगा और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए इस नींबू को जिसमें आपने 4 लौंग गाड़ रखी है उसको भगवान हनुमान जी को चढ़ा दीजिएगा। यदि आप इतना करते हैं तो यकीन मानिए जो आपके ऊपर बाधाएं होनी थी, यदि आपका मंगल अच्छा नहीं चल रहा था वो अच्छा हो जाएगा, नवग्रह जो आपका साथ नहीं दे रहे थे वो आपका साथ देना स्टार्ट कर देंगे, दुर्भाग्य जो आपके पीछे पड़ा हुआ था वो भाग्य में बदल जाएगा। परंतु हनुमान चालीसा मन में पढ़िएगा, बोल करके मत पढ़िएगा और हनुमान जी को दिल से याद कीजिएगा, हनुमान जी के सामने जाकर के ये प्रयोग कीजिएगा और आंख बंद करके उनसे बोल दीजिएगा, हे प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, मैं अज्ञानी हूं, मेरे को माफ कीजिए और मेरे मन की कामना को पूरा कीजिए। इतना करने के बाद आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी जिस चीज के लिए तरस रहे थे। अगला उपाय जानते हैं, यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या बड़ा बुजुर्ग है या आप ही हैं और नजर लग जाती है तो ऐसे में क्या करनी चाहिए, इसमें नींबू का बहुत उपयोगी उपयोग बताते हैं। यदि आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है, आप हैं या आपके घर में कोई भी है आपके घर का और ऐसा लगता है कि उस पर किसी ने नजर लगाई हुई है जिससे उसकी तबीयत खराब रहती है, तो ऐसे में एक नींबू लीजिए और अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमाइए और इसके बाद क्या कीजिए, एक न्यू चाकू लीजिए जिसका कभी प्रयोग न हुआ हो, उस नींबू को आपको बीच से काट दीजिएगा और इस नींबू को घर से दूर ले जा करके कहीं भी जमीन में गाड़ दीजिए, आपके ऊपर जो भी नजर लगी होगी उस नींबू के साथ नींबू जो है ले जाएगा, नजर उतर जाएगी और आपका सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा।
205 अध्याय में जाएंगे नींबू के उपाय में। व्यापार में लाभ के लिए नींबू का बहुत लाभकारी प्रयोग है। अगर आप पढ़ते हैं तो क्या मिलेगा, नींबू का अगर सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो आपको अपने व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। आपको क्या करना है पहले ये समझ लीजिए। बहुत से लोग जो व्यापार करते हैं उनका व्यापार जब चल रहा होता है तो बहुत से लोग नज़र लगा देते हैं, जिसकी वजह से चलता हुआ व्यापार रुक जाता है और वो हताश हो जाते हैं, थक जाते हैं, सोचते हैं क्या करें। तो ऐसे में क्या करना है आपको, एक नींबू लीजिए। एक नींबू को लेने के बाद आपको अपनी दुकान में ले जाना है और उसको काट लेना है, 4 टुकड़ों में काटना है। उस नींबू को अपने दुकान के 4 भागों में रखिएगा, चारों कोनों में, और सुबह रख दीजिएगा। उन चारों भागों को शाम को उठा लीजिएगा। सुबह आपने रखा हुआ है 10 बजे के आसपास अपने दुकान में, और शाम को उठाना है। अलग अलग 4 लाल कपड़ों में इसको बांध दीजिएगा और किसी नदी में यानी कि बहते जल में इसको बहा दीजिएगा। इससे होगा कि अगर आपके दुकान पर किसी ने नज़र लगा दी है, अब आप परेशान हो गए हैं कि आपका नहीं चल रहा है व्यवसाय, तो यह प्रयोग कर लीजिएगा, आपका दुकान चलना स्टार्ट हो जाएगा। जो निगेटिव शक्तियां आपके ऊपर पड़ गई थी वो कोसों दूर हो जाएंगी आपसे, और आपके दुकान से नज़र हट जाएगी। आपका व्यापार जो है घोड़े की तरह दौड़ने लगेगा। ये वास्तु शास्त्र में भी लिखा हुआ है, वास्तु शास्त्र में पढ़ेंगे तो स्पष्ट लिखा हुआ है। चलिए आपको अगला उपाय बताने जा रहे हैं, यानी कि किस्मत को चमकाने का उपाय। आपका भाग्य अगर आपका साथ नहीं दे रहा है, आप थक चुके हैं, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, परेशान हो गए हैं, बहुत मेहनत करते हैं आपको सफलता नहीं मिलती है। देखते हैं कि बहुत लोग कम मेहनत करते हैं ज़्यादा सफलता पा जाते हैं आपके आसपास, लेकिन आपको ज़्यादा मेहनत करने पर भी नहीं मिल रहा है तो समझिए किसी ने आप पर, मान लीजिए कि किसी ने टोटका कर दिया है। आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, नहीं मिल रही है आपको वो नौकरी, आप बहुत परेशान हो गए हैं, बात चल रही है कि आपकी शादी नहीं हो रही है या व्यापार नहीं चल रहा है, तो इसके लिए बहुत ही आसान उपाय है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए ऐसा है कि आप अगर मेहनत कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, और घर आपका बन नहीं पा रहा है, और आप लोगों को निगेटिव शक्तियों का प्रभाव दिख रहा है, आपके अंदर निगेटिव एनर्जी का वास होता चला जा रहा है, तो सिर्फ आपको ये करना है, एक नींबू लेना है, उसको गंगा जल से अच्छे से धो लेना है। इसके बाद क्या करना है, इस नींबू को धोने के बाद 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र है ओम श्री हनुमते नमः। जी हाँ, ओम श्री हनुमते नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा और इस नींबू को 4 भाग में काट दीजिएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि जॉब की तैयारी के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो इस नींबू को अपने पर्स में रख लीजिएगा या अपने बैग में रख लीजिएगा, जेब में रख लीजिएगा। पेपर देने जा रहे हैं तो ऐसे में पेपर के समय में आपको वर्जित होगा, नहीं ले जा सकेंगे, तो बैग में ले जाइएगा। आप यकीन मानिए, जो दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था वो भाग्य में तब्दील हो जाएगा, और यदि आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपका वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। ये हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है। इस प्रक्रिया में आपका 3 से 4 रुपए का खर्च आएगा, लेकिन यकीन मानिए इस प्रक्रिया को करने के बाद आपका जीवन संवर सकता है। ओम श्री हनुमताय नमः एक ऐसा जाप है, यदि मान लीजिए आपका मंगल कमजोर था तो वो मजबूत हो जाएगा, जमीन की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, लेकिन 108 बार जाप करना होगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज 108 बार करेंगे तो वो प्रसन्न होते हैं। 108 बार हनुमान जी के लिए कोई भी क्रिया आप करते हैं तो इससे हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं, और जब हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं तो शनिदेव भी उस व्यक्ति को कभी भी सताते नहीं हैं, क्योंकि हनुमान जी जिस पर प्रसन्न हो गए उस पर कभी भी शनिदेव भी कुपित नहीं होते हैं, और शनि की 7.5 हो, ढैया हो, इससे भी उस व्यक्ति को कभी भी कोई नुकसान नहीं होता है। इसके अलावा होता क्या है कि जमीन संबंधी यानी कि मंगल से संबंधी जो समस्या है जीवन में, उसका भी नाश हो जाता है। जी हाँ, अगर आप जमीन की समस्या से जूझ रहे हैं तो वो समस्या भी खत्म हो जाती है। दोस्तों अगला उपाय है रोग से मुक्ति। तो ये अध्याय जो है 41 नंबर पेज पर जाएंगे तो वास्तु शास्त्र की बुक में मिलेगा। मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बीमार है और दवा करा करके थक गया है, अस्पताल जा करके थक गया है, रोग ठीक नहीं हो रहा है, वो परेशान हो गया है, मैं क्या करूं, तो जो टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूं ये टोटका शनिवार के दिन करना है। शनिवार के दिन उस रोगी व्यक्ति के ऊपर से 7 बार नींबू जो है 7 बार वारना है सर से पांव तक, और एक चाकू लेना है,
उस चाकू को 21 बार उतारना है। ध्यान रखिए ये प्रक्रिया जो है शाम के समय कीजिएगा, संध्या को शनिवार के दिन शाम को कीजिएगा, 100% ये प्रयोग आपके लिए काम करेगा। नींबू और चाकू को 21 बार वार लीजिएगा, इसके बाद नींबू को 4 टुकड़ा कर दीजिएगा और किसी चौराहे पर जाइएगा जहाँ पर 4 रास्ते हों, दाहिने बाएं आगे पीछे, वहाँ पर अलग अलग दिशाओं में इन चारों नींबुओं के टुकड़े को फेंक देना है और रात के वक्त ही करना है। 7 बजे ये प्रक्रिया कीजिए, 9 बजे तक ये नींबू को ले जा करके फेंक दीजिए। यदि आप इतना करते हैं तो उस रोगी के ऊपर अगर कोई बुरी आत्मा का वास होगा, मान लीजिए किसी ने मंत्र कर रखा हो आपके बच्चे के ऊपर या आपके ऊपर या आपके घर में किसी के ऊपर, निगेटिव शक्तियाँ जो हैं वो आ गए हैं, वो ठीक हो जाएगा और वो दूर हो जाएगा। रोगी के ऊपर अगर बुरी आत्मा ने वास कर रखा है तो वो आत्मा उसका पीछा छोड़ देती है। ये सारी बातें आपको जानने को इसमें मिलेंगी एक साथ, क्योंकि आपको फायदा हो सके। एक नींबू के बारे में आप जान लीजिए कितना ताकतवर होता है, बहुत ही कमाल का है, इसका सेवन भी करना चाहिए। साधु संत भी अपने पास नींबू रखते थे और ये बीमारियों का तो काल ही है, तंत्र मंत्र में भी यूज होता है। इसीलिए अगला उपाय बताते हैं, अगर आप संतान प्राप्ति के लिए चाहते हैं, आपको बच्चा नहीं हो रहा है, मान लीजिए आप परेशान हैं बच्चे के लिए, कोई ऐसी महिला है जो बांझ है लेकिन उनको बच्चा नहीं हो रहा है, संतान नहीं है, संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, थक गए हैं, तो क्या कीजिए आप, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ये एक ऐसा दिन होता है जो बहुत ही शुभ होता है। यही निःसंतान लोगों के लिए ये नींबू का पौधा जो होता है उसकी जड़ को तोड़ना है, दूध में, जी हाँ, देसी गाय के दूध में मिला करके सेवन करना है। निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी और बहुत विद्वान संतान की प्राप्ति होगी, यानी कि ज्ञानी की होगी। अगर आप दवा कर के थक गए थे, लाखों रुपए खर्च कर चुके थे, तो यकीन मानिए सिर्फ ये प्रक्रिया कीजिए, आपके जीवन में संतान प्राप्ति होगी। बहुत ही ज़्यादा पैसों की भी दिक्कत होगी, जी हाँ, एकदम से अकस्मात रुपया मिल जाएगा, अकस्मात रुपया मिल जाए। और एक चीज़ और जान लीजिए, अगर आप खेतों में काम करने गए हैं या फिर ये प्रक्रिया कर लेते हैं तो जो आपको बताने जा रहे हैं, तो आपको अकस्मात धन मिल जाएगा, ऐसा धन मिल जाएगा जिसके बारे में आप सोचे नहीं होंगे, जॉब में या फिर बिजनेस में या लॉटरी लग जाना, मतलब ऐसा पैसा आ जाएगा जो आप सोचे नहीं होंगे, ये उपाय कर लीजिएगा। तो जी हाँ, इसके लिए एक नींबू लेना है, उसको अपने ऊपर से हर शनिवार को 41 शनिवार तक करना है, आपको अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है, शाम को अपने ऊपर 7 बार घुमाना है, लगातार शनिवार के दिन ही करना है, और उसे एक लाल कपड़े में बांधना है और किसी पीपल के पेड़ के पास गाड़ देना है, और हर बार अलग अलग पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ना है। आप दिन में ही पहले ही देख लीजिएगा पीपल कहाँ है, अगर आप गाड़ देते हैं इसको 41 शनिवार तक करते हैं, तो यकीन मानिए आपका भाग्य बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था, सारा उपाय करके हार गए थे, आप देखेंगे कि चमत्कारिक रूप से आप जो कार्य करते हैं उसी के आसपास से आपके पैसे का साधन बढ़ जाएगा, या फिर आपके प्रॉपर्टी इतने ज़्यादा दाम पर बिक जाएगी, या फिर मतलब कैसे भी करके आपके पास फायदा हो जाएगा 41 शनिवार करने के बाद ये उपाय, जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा। जी हाँ, 41 शनिवार तक इस नींबू के प्रयोग को करके आपको पीपल के नीचे दबाना है मिट्टी में। तो ये उपाय को आप जरूर कर लीजिए, ये आपके जीवन में बहुत ही फायदेमंद रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो नींबू जो है रामबाण है और आपके लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन इसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। बस नींबू खाने में भी थोड़ा सा हर रोज इस्तेमाल कीजिए, थोड़ी मात्रा तो जरूर लेनी चाहिए, और नहीं तो कम से कम 7 दिन में जरूर लेना चाहिए। वैसे तो आप जानते होंगे कि नींबू का इतना ज़्यादा फायदा है कि आप खाते हैं तो आपका ब्लड साफ रहता है, आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आती है। इसके अलावा नींबू के साथ ये प्रयोग भी कर सकते हैं, इसके छिलके जो होते हैं उसको चेहरे पर लगाते हैं तो दाग धब्बे झाइयां नहीं होंगी और पिंपल्स वगैरह नहीं होंगी, इस मामले में भी बहुत फायदेमंद है। तो नींबू का लाभ उठाइए और इन टोटकों का लाभ उठाइए। फिलहाल इस वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद। एक बार आंख बंद कीजिए और माँ लक्ष्मी को याद कीजिए ताकि आपके जीवन में खुशियां बनी रहें, और एक बार प्रेम से कमेंट में लिखिए जय माँ लक्ष्मी। फिलहाल इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो को अंत तक देखा आपने,